आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में आइए आज हम मिलकर कक्षा तीन अंग्रेजी की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक सोलह से बीस हल करते हैं वर्कशीट सिक्सटीन आइडेंटिफाई द हेल्पर्स एंड राइट देयर नेम्स बिलो मददगारों को पहचानें और उनके नाम नीचे लिखें। तो आइए देखते हैं कारपेंटर सी ए आर पी ई एन टी ई आर कारपेंटर कारपेंटर का अर्थ है बढ़ई वॉचमैन डब्ल्यू ए टी सी एच एम एन वॉचमैन वॉचमैन का अर्थ है चौकीदार इलेक्ट्रीशियन ई एल ई सी टी आर आई सी आई ए एन इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन का अर्थ है बिजली मिस्त्री प्लंबर पी एल यूएम बी ई आर प्लम्बर प्लम्बर का अर्थ है नलसाज मिल्कमैन एम आई एल के एम ए एन मिल्कमैन मिल्कमैन का अर्थ है दूध वाला मेसन एम ए एस ओ एन मेसन मेसन का अर्थ है राजमिस्त्री कॉबलर सी ओ बी बी एल ई -E आर कॉबलर कॉबलर का अर्थ है मोची आइए अगले कार्यपत्रक को देखें वर्कशीट सेवेंटीन वन फील इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर महीने के नाम को पूरा करने के लिए रिक्त स्थानों को भरें तो आइए भरते हैं एफ ई बी आर यू ए आर वाई फेब्रुवरी बी एम ए आर सी एच मार्च सी जे यू एन ई जून डी एस ई पी टी ई एम बी ई आर सेप्टेंबर ई एन ओ भी ई एम बी ई आर नवंबर एफ ए पी आर आई एल अप्रैल आइए अगले प्रश्न को देखें टू रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू फॉर्म करेक्ट वर्ड्स अव्यवस्थित अक्षरों को सही शब्द बनाने के लिए पुनर्व्यवस्थित करें मंथ्स ऑफ द ईयर वर्ष के महीने तो आइए देखते हैं जे यू एल वाई जुलाई ए यू जी यू एस टी अगस्त ओ सी टी ओ बी ई आर अक्टूबर डी ई सी ई एम बी ई आर दिसंबर एम ए वाई में जे ए एन यू ए आर वाई जनवरी आइए अगले कार्यपत्र को देखें वर्कशीट एटीन इज एम आर इज इट इज यूज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए होता है उसमें ही सी रामू मनीषा इत्यादि हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर रेफर्स टू फॉर्म ऑफ और प्रोनाउन यूज राइटिंग और स्पीकिंग अबाउट पर्सन और थिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर वह होता है जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में श्रोता और वक्ता बात करते हैं एम इट इज यूज विथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एम का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ होता है आई अर्थात मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज यूज बाय द स्पीकर और राइटर टू रेफर टू देम अ पार्ट ऑफ ग्रुप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का उपयोग वक्ता या लेखक के द्वारा खुद को एक समूह के हिस्से के बजाय एक व्यक्ति के रूप में संदर्भित करने के लिए किया जाता है इनमें मैं मेरा और खुद शामिल है आर इट इज यूज विथ थर्ड पर्सन प्लुरल सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लुरल एंड ऑल्सो फर्स्ट पर्सन प्लुरल आर का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए किया जाता है इनमें दे इंडियंस यू वी डॉक्टर्स आदि शामिल हैं थर्ड पर्सन प्लूरल कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन देयर नंबर जेंडर एंड केस थर्ड पर्सन प्लूरल संख्या लिंग और मामले के आधार पर अलग अलग रूप ले सकते हैं उदाहरण के लिए वह उसे और उसका थर्ड पर्सन प्लूरल है फील इन द ब्लैंक्स विथ इज एम आर रिक्त स्थानों को इज एम आर से भरें तो आइए भरते हैं वन अनिल इज स्विमिंग इन द पूल। टू द स्कूल बेल इज रिंगिंग थ्री आई एम मिट्ठू फोर शिप्स आर सेलिंग इन द सी फाइव आई एम नॉट अ रैबिट। सिक्स बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई सेवन वी आर हैप्पी एट प्रिया एंड कुसुम आर फ्रेंड्स नाइन ही इज गोइंग टू द मार्केट टेन आई एम सेवन ईयर्स ओल्ड आइए अगले कार्यपत्रक को देखें वर्कशीट नाइन फील इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग वाज और वेयर रिक्त स्थानों को भरने के लिए वाज या वेयर का प्रयोग करें तो आइए देखते हैं ए सोनम एंड अरुण वेयर गुड फ्रेंड्स सोनम और अरुण अच्छे मित्र थे बी वेन आई रिचड होम माई पेरेंट्स वेयर नॉट एट होम जब मैं घर पहुंचा तब मेरे माता पिता घर पर नहीं थे सी आइंस्टीन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक थे डी सी वॉज नॉट एट स्कूल सी वॉज एट होम वह विद्यालय में नहीं थी वह घर में थी ई इट वॉज नॉट कोल्ड इट वॉज वेरी हॉट वह ठंडा नहीं था वह काफी गर्म था आइए अगले प्रश्न को देखें टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन टू पास और वेयर निम्नलिखित वाक्यों को वाज या वेयर का प्रयोग करते हुए भूतकाल में बदलें अर्थात बीते हुए कल में बदलें तो आइए देखते हैं ए वरुण इज अ टीचर वरुण एक शिक्षक हैं तो पास्टेंस में होगा वरुण वाज अ टीचर वरुण एक शिक्षक थे बी वी आर लेट हमें देर हो गई है तो पास्टेंस में होगा वी वे आर लेट हमें देर हो गई थी सी आई एम ए स्टूडेंट मैं एक विद्यार्थी हूँ तो पास टेंस में होगा आई वॉज अ स्टूडेंट मैं एक विद्यार्थी था डी दे आर लिविंग इन जयपुर वे जयपुर में रहते हैं तो पास टेंस में होगा दे वे आर लिविंग इन जयपुर वे जयपुर में रहते थे आइए अगले कार्य को देखें वर्कशीट ट्वेंटी सर्कल द करेक्ट वर्ड सही शब्द पर घेरा लगाएं तो आइए देखते हैं ए बफेलो बी यू एफ एफ ए एल ओ बफेलो बफेलो का अर्थ है भैंस ब्रदर बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर ब्रदर का अर्थ है भाई पपेट पी यू पी पी ई टी पपेट पपेट का अर्थ है कठपुतली फैमिली एफ ए एम आई एल वाई फैमिली फैमिली का अर्थ है परिवार ई e, फ्रूट एफ आर यू आई टी फ्रूट फ्रूट का अर्थ है फल एफ शॉप एस एच ओ पी शॉप शॉप का अर्थ है दुकान जी हॉर्स एच ओ आर एस ई हॉर्स हॉर्स का अर्थ है घोड़ा एच स्वीट एस डब्ल्यू ई टी स्वीट स्वीट का अर्थ है मीठा आई फेयर एफ ए आई आर फेयर फेयर का अर्थ है निष्पक्ष जे डांस डी एन सी ई डांस डांस का अर्थ है नृत्य इसी के साथ हमने कार्यपत्रक 16 से 20 को हल कर लिया मिलते हैं अगले वीडियो में नए कार्यपत्रक के साथ तब तक के लिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद